लेकिन उसके पहले मैं बात बता रहा हूँ मैंने किस तरीके से याद किया था, मैं तुम्हारे कैसे बता रहा था अब उसको पहले क्या है पहले क्या है अलग ठीक हेलो हेलो अनुराग, हाय, कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी बच्चों? हेलो बच्चों, जुड़ जाओ जल्दी से, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरी आवाज क्लियर है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है बच्चों, बता सकते हो? गुड इवनिंग वंशिका, गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग अनुराग, क्लियर है? ओके ओके, ठीक है सिमरन, ओके वंशिका। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गुड इवनिंग योगिता, गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा कैसे हो सभी बच्चे? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग अंजना, यस, ये लेक्चर बिल्कुल सीईटी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये लेक्चर सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका एग्जाम करीब है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टडी क्लासेस। चलो बच्चों, सो एज यू कैन सी दीज आर दी IFAS 2022 टॉपर्स। बच्चों आप देख सकते हो CSIR से लेकर के गेट, IIT जैम, गेट भी, RPSC, UGC एंड CUET, इन सभी के अंदर बच्चों ऑल इंडिया रैंक वन है फ्रॉम IFAS। सो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी IFAS टॉपर्स। जो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, यू कैन ज्वाइन IFAS, रजिस्टर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आप ऐप के अंदर? फ्री ऐप है, तो आपको प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और इस पर आप ऐप डाउनलोड करोगे जो कि फ्री ऐप है। और बच्चों यहाँ पर आप करोगे यूजर नेम पुट करोगे, अपना पासवर्ड पुट करोगे और बच्चों यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके बाद में बच्चों आपके पास में यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद में दिस इज योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड द कोर्स जिसका आपको मटेरियल चाहिए, तो वो आपको बच्चों यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आएगा और उसके बाद में यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स बच्चों। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में बच्चों आपने अगर सपोज कीजिए MSc एंट्रेंस बायोटेक्नोलॉजी पर डाला है तो ये आप पर आपके फ्री कोर्सेज आएंगे, ठीक है, फ्री कोर्सेज आएंगे बच्चों। देन यहाँ पर आपके सेशंस हैं, अगर आपके स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चों वो यहाँ प्ले विन लर्न पे होते हैं एंड डेमो वीडियोज है, फ्री स्टडी मटेरियल है एंड देर इज सम लाइव इंटरेक्शन। इस तरीके से बच्चों आपको ऐप के अंदर आपका यूजर इंटरफेस आएगा, इस तरीके से आपके सामने लिस्ट आएगी। देन प्ले विन लर्न पे बच्चों आपके साथ में इस तरीके से लिस्ट आएगी जिस पर आप यूज कर सकते हैं, आपको PDF और वीडियो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से अलाइंड मिल जाएगी एक ही ऐप के अंदर। आपको यूट्यूब पर अलग अलग जगह पर जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स है, सभी वीडियोज है, जो फ्री डेमो वीडियोज है वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। चलो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको नाउ बच्चों। टारगेट CET 2023 के लिए बच्चों एक मेगा रिवीजन सीरीज आ रही है हमारी, और ये मेगा रिवीजन सीरीज बच्चों स्टार्ट हो रही है 20 मई के मई ऑनवर्ड से। यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल साइंस, प्लांट बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, इन्हीं पर सर बच्चों अपना एक मेगा रिवीजन सेशन आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों आपको ज्वाइन करना है ये सेशन, 29 मई से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, दैट इज आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 7 PM से बच्चों आपका स्टार्ट है और आज जेनेटिक्स का लेक्चर है तो बच्चों आपको ये अटेंड करना है, ठीक है, करोगे ना बच्चों? सही है। चलो बच्चों CET 2023 का स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है फॉर CET PG 2023 एस्पिरेंट्स, और इट इज एज पर, यस अंजना गुड, एज पर CET PG एग्जाम के पैटर्न पर आपका स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है। ये 31 मई को स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 31 मई को ये टेस्ट है, वेडनेसडे को, फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, और वो होगा बच्चों IFAS की फ्री ऐप पर, और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने बताया उसी के थ्रू ये होने वाला है, राइट।
आईआईटी जैम 2024 बायोटेक, बच्चों नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 15th ऑफ मई से, और बच्चों इस क्लास के अंदर आप एनरोल कर सकते हो, बच्ची ये स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। नाउ अब बच्चों सेशन में सभी जुड़े स्टूडेंट्स एक काम कर दिए, ठीक है, इस सेशन को लाइक कीजिए जल्दी से और एक सेशन को शेयर कीजिए। शायद ये लेक्चर थोड़ा डिले हो गया कुछ मिनट्स के लिए, तो आई थिंक बच्चे वगैरह चले गए, तो आप शेयर कीजिए, ठीक है, बच्चों को सबको जोड़ लीजिए और अपने स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, विच इज ऑन दी प्लांट साइंसेस का इंट्रोडक्शन लेंगे हम, और साथ में बच्चों हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे कुछ पार्ट्स की, एंड ओके चलो बच्चों चलो स्टार्ट करें। ओके सो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी बेसिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है बेसिकली, मॉर्फोलॉजी, गुड इवनिंग देवांशी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, जो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस होती है, द एक्सटर्नल अपीयरेंसेस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। जैसे भी हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स पार्ट होता है, फ्लावर होता है, तो हम जो बाहर से उसको ऑब्जर्व करते हैं, बाहर से उसको देखते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो बच्चों जनरल कंसेप्ट क्या है हमारे पास में मॉर्फोलॉजी का, द एक्सटर्नल फीचर्स और अपीयरेंस जो होती है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों हम बात करें कि फादर ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो एक फॉरेन साइंटिस्ट हमारे पास में विलहेम हॉफमेस्टर, ये थे फादर ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, इन्होंने पहली बार कंसेप्ट दिया था प्लांट मॉर्फोलॉजी का, पहली बार इन्होंने स्टडी स्टार्ट की थी, सो ये पायनियर थे इस स्टडी के अंदर, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। ब्लर है बच्चा, थोड़ा क्वालिटी उसको अच्छी कर लीजिए क्वालिटी, और इसको मैं जूम करके दिखा दूंगा, अगर ब्लर है तो आपको ठीक से दिख जाएगा। ओके वंशिका, सो नाउ देखो बच्चों हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो हम एक्सटर्नली अपीयरेंस में देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो उनमें से कौन से पार्ट है, आप अगर कोई भी ग्रोइंग पार्ट होगा प्लांट का, उस ग्रोइंग पार्ट के ऊपर ये पार्ट आप देखेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके की शेप दिखेगी, देख सकते हो बच्चों यहां पर एक सेंटर के अंदर आपके सामने दिख रहा है शूट एपिकल, एपिकल मेरिस्टम, शूट एपेक्स और एपिकल मेरिस्टम, यहां पर है बच्चों मेरिस्टम, एक एपिकल मेरिस्टम है जो कि ग्रोइंग पार्ट है, यहां पर सेल का डिवीजन चल रहा है और वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पार्ट को कवर करने के लिए ऊपर से आप देख सकते हो कि यहां पर लीफ प्राइमोर्डिया प्रेजेंट है, ये लीफ प्राइमोर्डिया आगे जाके लीफ का फॉर्मेशन भी करते हैं और साथ में ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टम का, ये एपेक्स पे है तो इसको एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, वहीं बच्चों अगर एक्सियल पार्ट पर अगर मेरिस्टम पार्ट है तो वो एक्सिलरी बड या फिर उसके साथ में एक्सिलरी बड विद मेरिस्टम को हम बोलते हैं। आप देख सकते हो बच्चों यहां पर लीफ है, हम मॉर्फोलॉजी में बेसिकली स्टडी किस चीज की करेंगे बच्चों आपको मैं बता देता हूं, तो बेसिकली हम स्टडी करेंगे रूट की, स्टेम की और लीफ की, हम मेजर इन पोर्शंस की स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये कौन से पार्ट से बने हुए हैं, क्या होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे अपने, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज पार्ट्स, तो हम फिर बच्चों एनाटॉमी स्टडी करेंगे, तो ये बेसिकली हमारा इस वीक के लेक्चर्स रहने वाले हैं, सभी बच्चों को साथ में मतलब सब पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे, पूरा लेक्चर देखेंगे अपन और पूरे वीक तक अटेंड करोगे तो आपका बेसिकली आपका नए अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर फॉर श्योर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नो देखो बच्चों लीफ, दिस पार्ट इज लीफ एज यू ऑल नो, अब बच्चों लीव्स लगती है नोड्स पे, तो स्टेम के ऊपर नोड होता है, नोड के ऊपर ये लीफ लग रही है और दो नोड के बीच की पोजीशन को अपने इंटर नोड बोलते हैं। नाउ इसी तरीके से बच्चों जो ग्राउंड से ऊपर का पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं स्टेम, ठीक है, और ग्राउंड के अंदर जो नीचे की तरफ जाता है पार्ट उसको अपन बोलते हैं रूट, ठीक है, बेसिकली इतना हम सभी जानते हैं बच्चों। तो रूट की बात करें हम तो देख सकते हो बच्चों की एक रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं रूट कैप, ठीक है, जैसे स्टेम का एपिकल मेरिस्टम था जो कि एकदम एपेक्स में प्रेजेंट था बच्चों, एकदम एपेक्स में प्रेजेंट था, इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे ये लीफ प्राइमोर्डिया, उसी तरीके से रूट का एकदम एपेक्स पे नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि आगे से क्या है कि सॉइल के पार्टिकल्स आते हैं और वहां से उसको डैमेज हो सकता है, तो उसके आगे प्रेजेंट होती है रूट कैप, ये रूट कैप प्रेजेंट होती है और रूट कैप से थोड़ा सा पीछे होता है रूट एपेक्स का एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो अब बच्चों ये रूट है, रूट के पास में साथ में रूट हेयर से बच्चों यहीं से अब्सॉर्प्शन होता है, ये रूट टैप रूट है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे, और बच्चों ये देख सकते हो आप साइड में लेटरल रूट्स अराइज हो रही है, ओके, और वेस्कुलर टिश्यू और ये सब बच्चों अपने क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी के अंदर स्टडी करेंगे इसको, ओके। तो नाउ द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इंटू, द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इंटू रूट दैट इज बिलो ग्राउंड एंड शूट विच इज अबव द ग्राउंड,
ठीक है, प्लांट बॉडी इस तरीके से डिवाइडेड होती है। रूट जो है बच्चों वो क्या करती है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट। मतलब इस तरीके से बच्चों ये रूट है, ये यहां से प्राइमरी रूट निकलेगी, सेकेंडरी रूट निकलेगी, और डिविजन होंगे तो टर्शरी रूट निकलेगी। तो बेसिकली जो रेडिकल से बन रही है इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी, इससे अराइज हुई सेकेंडरी, और इससे अराइज हुई तो टर्शरी रूट हो जाएगी। सही बात है बच्चों। तो शूट्स क्या बनती है बच्चों, शूट जो है वो बनाती है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्लावर इज ऑल्सो मॉडिफाइड शूट, और बेसिकली स्टेम के ऊपर ही लग रहे हैं, ब्रांचेस लग रही है, लीव्स लग रहे हैं, तो वो लगते हैं हमारे पास में। इसमें कोई नई चीज नहीं है, आप सभी जानते हो। अब बच्चों दो चीजें हमारे पास में, एक है शूट एपिकल मेरिस्टम और एक है रूट एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का मतलब है कि वहां पर सेल्स का डिवीजन हो रहा है और वो पार्ट प्लांट को ग्रो कर रहा है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम शूट की ग्रोथ को करेगा और रूट एपिकल मेरिस्टम रूट की ग्रोथ को करेगा। तो ये प्रेजेंट होगा शूट की टिप के ऊपर, जो कि अभी आपने देखा, ये ग्रोथ करेगा और डिवीजन करेगा। ओके, और रूट एपिकल मेरिस्टम देखो बच्चों, मैंने कहा था ना कि ये सब टर्मिनल पोजीशन पर, एकदम एपेक्स पे नहीं प्रेजेंट होता, एपेक्स पे प्रेजेंट होता है रूट कैप, वो प्रोटेक्ट करता है, और रूट कैप के बाद में प्रेजेंट होता है हमारा ये रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? गेट भी रिजल्ट कब आएगा? ओके, लेट्स सी कब आता है। चलो बच्चों, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक करके बच्चों एक बार शेयर कर दो और स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवा लो। ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग द सेशन। तो प्राइमरी मेरिस्टम की हम बात करें, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम की हम बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों एपिसिस के ऊपर, मतलब रूट एंड शूट की टिप के ऊपर, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाते हैं डिवाइड करके, मॉडिफिकेशंस करके। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाते हैं बच्चों। मेरिस्टम का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल, प्राइमरी मेरिस्टम का मतलब हुआ कि ऐसे सेल जो कि एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में थे, प्राइमरीली प्रेजेंट थे, और ये क्या काम करते हैं, ये डिवीजन करते हैं, और डिवीजन करके ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हमारे पास में तीन मेन प्राइमरी पार्ट्स हैं जो कि इस टिश्यू से फॉर्म होते हैं, तीन मेन प्राइमरी पार्ट है। कौन कौन से बच्चों? एक है हमारे पास में एपिडर्मिस, एक है कॉर्टेक्स एंड पिथ, और एक है हमारे पास में प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मिस हम सभी जानते हैं बच्चों, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बच्चों पेरिडर्म से बनता है हमारे पास में एपिडर्मिस। ठीक है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू में पेरिडर्म से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों ग्राउंड मेरिस्टम बनाता है हमारे पास में कॉर्टेक्स एंड पिथ। बेसिकली हम देखें तो इस तरीके से बाहर का जो पोर्शन होता है, आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, ये कवरिंग होगी। अब उसके बाद में बच्चों इस तरीके से जो कॉर्टेक्स वाला रीजन, एंडोडर्मिस वाला रीजन, पेरिसाइकल, ये सब जो आएंगे ना बच्चों, ये सब क्या रहेंगे, ये हमारे पास में कॉर्टेक्स एंड पिथ है, तो ग्राउंड मेरिस्टम से ही बनेंगे ये वाला पार्ट। फिर बच्चों हमारे पास में वेस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं। तो ये वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास में दीज आर बेसिकली प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू। अब इनको अपन प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, तो क्योंकि बच्चों ये प्राइमरी मेरिस्टम से बने, एकदम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो मेरिस्टम है उसके थ्रू ये इनका फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, दैट इज व्हाई। ठीक है, नाउ अब एक बात करें कि जैसे मोनोकॉट्स है और हर्बेशियस प्लांट्स है, इन सब में क्या होता है कि इन सब के अंदर बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। द रीजन इज कि यहां पर बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है बच्चों, तब वुड का फॉर्मेशन होता है, तो इनके अंदर वुड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो मोनोकॉट और हर्बेशियस डाइकॉट्स के अंदर द प्लांट बॉडी इज सॉफ्ट। ओके, आप देख सकते हो ग्रीन सी, सॉफ्ट सी होती है। मोनोकॉट में कोई भी लो, वीट, राइज, मेज, कोई भी लो, तो आपको देखने को मिलता है कि वो सॉफ्ट है। द रीजन इज कि उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एबसेंट होती है। ठीक है, और उनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट बॉडी होती है। इनके अंदर क्यों नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि बच्चों जितने भी प्रोकैम्बियल सेल्स हैं, प्रोकैम्बियल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि आगे जाके कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोकैम्बियल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि आगे जाके जाइलम और फ्लोएम में डिवीजन करते हैं और जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। तो क्या होता है कि सारे प्रोकैम्बियल सेल्स जो कि मेरिस्टमेटिक है, दीज आर मेरिस्टमेटिक, जो कि आगे जाके क्या करेंगे, एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, एक हमारे पास में रोल प्ले करेंगे सेल के साथ में, परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। तो बेसिकली सभी प्रोकैम्बियल सेल जितने भी थे हमारे पास में, 100 प्रोकैम्बियल सेल थे, और उनके 100 के 100 ने क्या बना दिया, फ्लोएम और जाइलम का फॉर्मेशन कर दिया। तो हमारे पास में दूसरी गुंजाइश ही नहीं बची कि हम और टिश्यू बना सकें। तो ये होता है इनके अंदर मोनोकॉट हर्बेशियस में, जबकि ज्यादातर डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर बॉडी होती है हार्ड, क्योंकि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहां पर अगर 100 प्रोकैम्बियल सेल्स है तो उसने मान लो 50 किससे, फ्लोएम और जाइलम बनाया,
50 अभी तक बचे हुए हैं, ये बाद में आगे जाके और डिवाइड करेंगे, फिर और फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चों प्रोकैम्बियन सेल्स जो होते हैं तो वो बनाते हैं बच्चों फ्लोएम और जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम। लेकिन यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर बीच में होती है कैम्बियम डाइकॉट्स, और इनके अंदर इधर फ्लोएम होता है इधर जाइलम होता है। ये कैम्बियम डिवाइड करती है, आउटर में बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम और इनर में बनाती है सेकेंडरी जाइलम। बच्चों इस चीज को हम अच्छे से डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा एक लेक्चर है प्रॉपर जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर है। तो बेसिकली हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, बट आप एक चीज ध्यान रखना, ये कैम्बियम इस तरीके से सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बनाती है, इसका सेल जो है वो डिवाइड करता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है सेकेंडरी जाइलम बनाता है। लेकिन इसका सेल जब डिवाइड करता है, इसका बनाता है उसके बाद में, तो कुछ पार्ट जो है वो हमारे पास में एक सेल जो है वो मेरिस्टमेटिक रह जाता है, तो ये फिर से डिवाइड करता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है ये, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। ऐसा नहीं रहता कि बच्चों इसने डिवाइड किया और सारे के सारे इस तरीके से, पहला जो हम देखे मोनोकॉट और इनके अंदर एक बार बना दिया फिर है ही नहीं उसके पास में, ऐसा नहीं है। इसके पास हमेशा स्टॉक रहता है, ऑलवेज हमेशा इसमें स्टॉक रहता है कि वो नेक्स्ट जो सेकेंडरी टिश्यूज है उनका फॉर्मेशन कर सके। तो दैट इज वाई इन सब के अंदर जो टिश्यू होता है बॉडी का वो हार्ड होता है। अब बच्चों बात करें अपने रूट पर आते हैं, ठीक है, तो रूट पर आए तो आप देख सकते हो बच्चों इस तरीके से रूट होती है, ये रूट के जोन्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों, याद करना है। फिर से डिवाइड करने के बाद भी जाइलम फ्लोएम बनेगा, एग्जैक्टली सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। देखो बच्चों कैसे होता है ये, यहां पर दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है रे इनिशियल और एक होता है फ्यूजी फॉर्म इनिशियल, ठीक है। हम बात करते हैं फ्यूजी फॉर्म की, तो इस तरीके से ये सेल है फ्यूजी फॉर्म का, ठीक है, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा बच्चों, इसने बनाया सेकेंडरी फ्लोएम और ये सेल है, ये दो सेल बनाए, ये था मेरिस्टमेटिक जो फिर से डिवाइड करेगा, इसने डिवाइड किया, एक सेल बनाया वो बनाया सेकेंडरी जाइलम और जो दूसरा सेल था ये फिर से रहा मेरिस्टमेटिक। ये मेरिस्टमेटिक सेल फिर से डिवाइड करेगा, ठीक है, ये फिर से डिवाइड करेगा, एक सेल बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, एक बनाएगा फिर से मेरिस्टमेटिक, ठीक है, ये मेरिस्टमेटिक फिर से डिवाइड करेगा, एक बनाएगा सेकेंडरी जाइलम और एक रहेगा मेरिस्टमेटिक। ये इस तरीके से जो चेन है वो चलती रहती है हमेशा, ठीक है, तो इस वजह से ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू हमेशा मेरिस्टमेटिक रहता है, एक सेल वो डिवाइड कर करके एक एक सेल बनाता है, अल्टरनेट बनाता है, एक बार फ्लोएम बनाता है एक बार जाइलम बनाता है, हर बार मेरिस्टमेटिक, तभी तो डिवाइड कर रहा है, एक परमानेंट बनाएगा एक मेरिस्टमेटिक बनाएगा। ये तो परमानेंट बन रहे हैं, देखो बच्चों ये वाला जो पार्ट है सेकेंडरी फ्लोएम इज द परमानेंट, ये तो फ्लोएम का रोल प्ले करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा, सेकेंडरी जाइलम है ये क्या करेगा, ओके नाउ क्लियर, ओके। तो रूट की हम बात करें, ठीक है, तो बच्चों देखो एक तरफ से रूट कैप है, ठीक है, रूट कैप क्या करती है, बचाती है। अब रूट कैप बच्चों किससे बचा रही है, फ्रिक्शन से बचा रही है सेल को, क्योंकि सॉइल के जो हमारे पास पार्टिकल्स है वो इसको फ्रिक्शन करेंगे और इसको डैमेज कर सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं बच्चों, इसके सामने एक हार्ड पार्ट होता है, दैट इज द रूट कैप। अब रूट कैप है, फ्रिक्शन क्यों बचा रही है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं ऐसे प्लांट जो कि वाटर के अंदर होते हैं, तो उनको कोई फ्रिक्शन तो फील ही नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन होता ही नहीं उधर वाटर के अंदर, तो सॉइल पार्टिकल्स नहीं है। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, इकॉर्निया हो गया, पिशिया हो गया, तो ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है, एक्वस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उनके अंदर ये रूट कैप एब्सेंट होता है, ठीक है, उनके अंदर रूट कैप्स नहीं पाए जाते। तो ये रूट कैप हुआ, रूट कैप के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जोन जो आता है वो आता है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, जहां पर मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है और रूट की जो हमारे पास में मेरिस्टमेटिक टिश्यू है एपिकल मेरिस्टम वो भी यहीं पर है, ठीक है। फिर बच्चों आता है रूट ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो उसके बाद आता है बच्चों रीजन ऑफ इलोंगेशन, मतलब सेल्स जो है वो इलोंगेट कर रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं, पहले डिवाइड कर दिए अब सेल्स बढ़ रहे हैं। फिर आता है बच्चों रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, तो वहां पर अब मैच्योरिटी आ रही है और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों रूट हेयर्स, और रूट हेयर्स क्या काम करते हैं, अब्सॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर को अब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। ये बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, एपिडर्मल सेल से आउटग्रोथ से ये बनते हैं, एपिडर्मल सेल की आउटग्रोथ से ये फॉर्मेशन होता है इनका। ये रूट हेयर्स भी हाइड्रोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों वाटर अब्सॉर्प्शन जो है उनके अंदर हो जाता है, स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। तो रूट है, अंडरग्राउंड पार्ट है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपी, बच्चों ग्रेविटी किस तरफ काम कर रही है, जी तो इधर काम करता है जमीन के तरफ, और इसकी ग्रोथ कहां हो रही है, उसी साइड हो रही है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। वाटर कहां प्रेजेंट है, वाटर भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, तो कहां हो रही है ग्रोथ, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक।
लाइट है बच्चों, लाइट तो इस तरफ से आ रही है पर ये तो उल्टा ग्रो कर रहा है, तो ये हो जाता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। इनके अंदर बच्चों नोड और इंटरनोड एब्सेंट होता है। तो बच्चों नोड और इंटरनोड क्या होता है, स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से नोड होते हैं जहां से बच्चों लीफ प्राइमोर्डिया निकलती है, जहां से बड निकलता है, ब्रांच जहां से निकलती है, लीफ जहां से निकलती है, फ्लावर जहां पे लगते हैं उसको अपन नोड पोजिशन बोलते हैं, और दो नोड के बीच की जगह को अपने बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो ये नोड और इंटरनोड रूट्स के अंदर बेसिकली एब्सेंट होते हैं, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन रूट्स। दो टाइप की रूट्स है बच्चों जो कि मेनली बेसिस प्रेजेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर दो तरह की रूट्स मिलती है बच्चों हमारे पास में, वैसे देख के तो दो तीन तरीके की हम बात कर सकते हैं। एक हमारे पास में मोनोकॉट रूट है, ठीक है, मोनोकॉट रूट्स जो होती है बेसिकली फाइब्रस रूट्स होती है, एक साथ उनके अंदर जो रेडिकल होता है, अब बच्चों एक चीज देखो, हमारे पास एम्ब्रियो के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं रेडिकल। ये रेडिकल अगर रूट को अराइज करे, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा भाग्यश्री, नॉट आपको सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, बेसिक्स के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, बट आपको ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी करनी चाहिए क्योंकि आपका पीजी का एग्जाम है, तो पीजी का एग्जाम है तो उसमें साफ साफ सिलेबस में मेंशन है कि यूजी तक का सिलेबस आ सकता है, तो यूजी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बीएससी लेवल का आप जरूर कीजिए। तो रेडिकल है बच्चों हमारे पास में, एम्ब्रियोनिक आपका पार्ट है, उससे रूट्स अराइज होती है, अगर उसे रूट बन रही है तो अपन उसको बोलते हैं बच्चों टैप रूट, अगर रेडिकल से बन रही है, और रेडिकल को छोड़ के किसी भी और पार्ट से बन रही है तो उसको उन रूट्स को अपन बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, उनको बोलते हैं अपने एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, तो बच्चों रेडिकल से बनती है डाइकॉट्स के अंदर, तो डाइकॉट की रूट को अपन बोलते हैं टैप रूट, और डाइकॉट्स मोनोकॉट्स कहीं पर भी बच्चों इस रेडिकल को छोड़ के कहीं और से बन रही है तो उसको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। साथ ही बच्चों जो मोनोकॉट की रूट्स होती है वो रूट्स फाइब्रस होती है, एक साथ इस तरीके से फाइब्रस प्रेजेंट होती है, यहां पर हम उसकी मेन रूट को नहीं देख सकते, ये होती है बच्चों मोनोकॉट के अंदर। वहीं अगर इस तरीके से देखें एक मेन प्राइमरी रूट जो दिख रही है हमें, इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट होती है बच्चों हमारे पास में डाइकॉट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों प्रेजेंट होता है हमारे पास में रूट का सिस्टम। तो टैप रूट है, ये रेडिकल से बनती है, ये डाइकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स का फॉर्मेशन करती है। फिर फाइब्रस रूट्स आती है, फाइब्रस रूट्स बच्चों प्राइमरी रूट सिस्टम जो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके बाद में ये देखो बच्चों थ्रेड लाइक रूट्स बन जाती है, और ये बेस ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट्स में होती है। एडवेंटिशियस बच्चों ये किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती है सिवाय रेडिकल के, तो रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी ये अराइज हो सकती है। ठीक है, रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी अराइज हो सकती है। फंक्शन क्या है रूट के, वी ऑल नो बच्चों काफी बेसिक है, कमेंट करके बताओगे मुझे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ रूट, बच्चों कमेंट करके बताओ सारे बच्चे क्या फंक्शंस है हमारे पास में रूट के। अब्सॉर्प्शन का काम कर रही है मिनरल्स एंड वाटर का, साथ में वीसी एंकरिंग कर रही है प्लांट का। ठीक है, एंकरिंग ऑफ प्लांट इज सीन बाय दीज रूट्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स है बच्चों, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर्स अराइज होते हैं रूट से। देन बच्चों फूड रिजर्व, रिजर्व फूड मटेरियल भी करती है, रिजर्व फूड मटेरियल किस में करती है बच्चों, एग्जांपल्स बता सकते हो कमेंट करके, एग्जांपल बता सकते हो कि रिजर्व फूड मटेरियल किसके अंदर प्रेजेंट होता है। चलो बच्चों अब रीजन ऑफ रूट्स के देखते हैं बच्चों कौन कौन से डिफरेंट रीजन है। अभी जस्ट मैंने बात की अपने रूट कैप था, टर्मिनल पे प्रोटेक्शन में काम करता है, गोल्जी बॉडी बहुत होते हैं यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखोगे, म्यूसिलेज ग्लैंड्स होती है। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर रूट कैप एब्सेंट है जैसे कि लेमना और पिशिया। जोन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, ऐसा जोन जहां पर डिवीजन हो रहा है, मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रही है, ये प्रेजेंट है रूट कैप के बाद में। ठीक है, रूट कैप के बाद में प्रेजेंट है, थोड़ा फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग होता है। फिर है बच्चों जोन ऑफ इलोंगेशन, ऐसी जगह जहां पर मेरिस्टमेटिक जोन बच्चों क्या होता है, मेरिस्टमेटिक जोन के ऊपर होता है और इलोंगेट करता है, 2 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। देन बच्चों जोन ऑफ मैच्यूरेशन, ये बच्चों यहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखोगे यहां पर रूट के हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बच्चों अपने पिलीफेरस जोन भी बोलते हैं, और रूट हेयर्स बच्चों यहां पर एब्सेंट होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई थी दैट इज परमानेंट जोन है बच्चों, रूट हेयर्स के ऊपर वाला जोन भी होता है, इसको अपने परमानेंट जोन बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे कोई रूट हेयर नहीं होते, कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेटरल रूट्स जो है वो यहीं से अराइज होती है फ्रॉम परमानेंट जोन। और बच्चों इसी साल आपका क्वेश्चन आया गेट बी के अंदर कि लेटरल रूट्स कहां से बनती है, तो ये बनती है बच्चों पेरिसाइकल की सेल्स से।
पेरिसाइकल सेल्स से सेकेंडरी रूट्स अराइज होती है बच्चों, ठीक है। माइकोराइजा पैरासिटिक प्लांट्स बच्चों रूट हेयर से एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और रूट्स ऑफ राइस, राइस की जो रूट्स है वो ऑक्सीजन को रिलीज करती है। और मैंग्रोव के अंदर बच्चों निमेटोफोर्स का फॉर्मेशन होता है। वैक्यूल, देखो बच्चों मैंग्रोव जो होता है ऐसा एरिया जो सॉल्टी एरिया होता है बच्चों, वहां पर क्या होता है रूट को है ना रेस्पिरेशन नहीं मिल पा रहा होता, तो उस वजह से जो रूट्स है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। राइजोफोर के अंदर होता ही है, और इन रूट्स को बोलते हैं बच्चों न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ये बच्चों रेस्पिरेशन के लिए जमीन से बाहर आ जाती है, और इस तरीके से ये एक डिफरेंट कैरेक्टर शो करती है विच इज द नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अब बात करें बच्चों स्टेम की, स्टेम बहुत ही बेसिक पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, ठीक है। स्टेम की मॉर्फोलॉजी बाहर से हम देखते हैं तो ये मेन एक्सिस बनाता है प्लांट की, ये डेवलप होता है बच्चों प्लूम्यूल से। तो हमारे पास में जैसे रेडिकल से रूट मनी, वैसे प्लूम्यूल से बच्चों शूट का फॉर्मेशन होता है। इसके ऊपर लीव्स लगती है, फ्रूट फ्लावर ब्रांचेस सभी स्टेम के ऊपर बियर होती है। यहां पर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट है, रूट में एब्सेंट थे बट यहां प्रेजेंट है बच्चों। अब कुछ फॉर्म्स ऑफ स्टेम देखें बच्चों, एक होता है डेलिक्वेसेंट स्टेम जिसके ऊपर ब्रांचेस होती है, मतलब ये स्टेम है इसके ऊपर इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही है, तो दैट वुड बी अ डेलिक्वेसेंट स्टेम, ठीक है। डेलिक्वेसेंट स्टेम बोलते हैं ऐसे स्टेम होते हैं जिनके ऊपर ब्रांचेस नहीं होती, उनको अपन बोलते हैं कॉडेक्स। कॉडेक्स ऐसे हैं बच्चों जिनके ऊपर ब्रांचेस नहीं होती, सीधे स्टेम होता है और स्टेम के ऊपर लीव्स का क्राउन लगा होता है, जैसे कि देखा देखा सा लग रहा है बच्चों पाम ट्रीज। पाम ट्रीज जो होते हैं इनके अंदर इस तरीके से नहीं होता बच्चों। कलम होते हैं जॉइंटेड स्टेम बच्चों, जिन स्टेम के ऊपर साफ साफ आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई ये नोड है ये इंटर नोड है, ऐसे जुड़ा हुआ है पूरा प्लांट, तो उसको अपन कलम बोलते हैं, जैसे वीट राइस मेज ये सभी कलम्स हैं। फिर है बच्चों फिलोक्लेड या फिर क्लेडोफिल। तो फिलोक्लेड ऐसा होता है जब कभी बच्चों हमारे स्टेम जो है वो फ्लैट हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है, तो अपन उसको बोलते हैं फिलोक्लेड। ये पाया जाता है बच्चों ऑफेंशिया में एस्पेरेगस के अंदर, ठीक है। फिर बच्चों कुछ स्टेम ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेम आर सिलेंड्रिकल। कुछ स्टेम बच्चों इस तरीके से ट्राइंगुलर भी होते हैं, तो ट्राइंगुलर है बच्चों साइप्रस में। देन बच्चों कुछ स्टेम होते हैं जो क्वाड्रेंगुलर होते हैं, ऐसे चार कोनों में आप उनको पकड़ोगे ना उनके स्टेम को, तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम स्क्वायर बना हुआ है ये। तुलसी बच्चों, तुलसी सबके घर में लगी होगी, हर स्टूडेंट के घर में तुलसी लगी हुई होगी, राइट। आज तुलसी के प्लांट को देखना बच्चों, उसके स्टेम पे जाना, स्टेम को टच करना और टच करके देखना कि बच्चों उसका स्टेम इस तरीके से है क्या। या फिर आपने निक्टेंथस देखा होगा, निक्टेंथस उसमें भी बच्चों क्या होता है क्वाड्रेंगुलर होता है, आप उसको टच करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि चार उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन तुलसी है, फ्लैट होता है ओपनशिया के अंदर, स्टेम इस तरीके से फ्लैट होता है, इट इज प्रेजेंट इन ओपनशिया। रिब्ड कैजुरिना में जॉइंटेड है बच्चों शुगर केन के अंदर, ठीक है, राइट। कैबेज, कैबेज क्या होता है बच्चों, फूल पत्ता गोभी होती है। पत्ता गोभी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड है, इट इज द लार्जेस्ट बर्ड द कैबेज। बनाना को बच्चों, बनाना के स्टेम को हम स्यूडो स्टेम बोलते हैं। अब स्यूडो स्टेम क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि लीफ के बेसिस से बना हुआ होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ लीफ बेसिस, लीफ के बेस से बना होता है ये, दैट इज बनाना, बनाना की स्टेम, इसीलिए हम उसको स्यूडो स्टेम बोलते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है, लीफ की हम बात करें तो लेटरल आउटग्रोथ है बच्चों स्टेम के ब्रांच की, वो बनाता है बेसिकली लीफ। ये नोड से डेवलप होता है, बेसिकली फोटोसिंथेटिक होता है, आप देख सकते हो बच्चों यहां से स्टार्ट हो रही है। ओके गुड देवांशी, चलो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है चलो गुड बच्चों, एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दो, ठीक है, और स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएं। चलो देखो, जहां से लीफ अराइज होती है स्टेम से, जहां से लगता है, ठीक है, तो उसको एक है ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको विंग की तरह आगे का जो है इसको पूरा एयर के थ्रू क्या करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये होता है बच्चों पीटीओल, ठीक है। ये पार्ट जो होता है हम सभी जानते हैं बच्चों, इसको पीटीओल बोलते हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हमारे पास में। तो स्टेम में यहां से लगा हुआ है बच्चों, एक्सेल से लगा हुआ है यहाँ पे, ये पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पीटीओल। पीटीओल के बाद में बच्चों ये जो पोर्शन होता है पूरा, इसको अपन बोलते हैं लीफ ब्लेड, दिस इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। हट जाता हूँ एक मिनट के लिए, ये लीफ ब्लेड बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है। इस लीफ ब्लेड में बच्चों बीच से जो रिब जा रही है उसको अपन बोलते हैं मिड रिब,
ठीक है। ये देखो बच्चों इसके मार्जिन्स है, ठीक है, टिप है इसकी, और यहां से बच्चों देखो ये वेन्स निकल रही है, ये वेन्स है, जो प्राइमरी होगी इसको प्राइमरी वेन्स बोलेंगे, उससे कुछ निकलेगी तो उसको वेन्यूल्स बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे बच्चों वेन्यूल्स, राइट। नाउ लीफ बेस की बात करें अपने, ठीक है, तो लीफ बेस है बच्चों, इट इज द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर, जो बेस होता है लीफ का, जहां से जुड़ता है, ये जो है बच्चों ये लीफ बेस है, दिस, ठीक है। ये लीफ बेस शीट लाइक हो जाता है मोनोकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स में आपने देखा होगा कि लीफ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, बेस जो है वो पूरा कवर करके रखता है इसको, स्टेम को, उसको बोलते हैं बच्चों शीट लाइक बेस, ये प्रेजेंट होता है मोनोकॉट में, गेहूं चावल इनका आप देखोगे तो ऐसा प्रेजेंट होता है। पल्विनस मतलब स्वोलन होता है, ये देखो बच्चों ये पल्विनस ही बनाया मैंने, तो ये स्वोलन है, स्वोलन होता है बच्चों लेग्यूम्स के अंदर। अब पीटियोल की बात करें हम, दिस वन इज पीटियोल, ठीक है, कुछ के अंदर वंग्ड पीटियोल होता है बच्चों। सिट्रस की बात करें, आपने लेमन की लीफ देखी होगी, लेमन की लीफ कुछ इस तरीके से होती है, फिर उसका पीटियोल ऐसे होता है, विंग्ड होता है, ये होता है पीटियोल, ऐसे नीचे से आप देखोगे कि पीटियोल विंग्ड है, तो ये प्रेजेंट होता है बच्चों सिट्रस के अंदर। पीटियोल सोलन होता है बच्चों इकॉर्निया के अंदर भी, तो पल्विनस और सोलन इकॉर्निया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। कई बार बच्चों पीटियोल जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जैसे ये स्टेम है, ठीक है, ये पीटियोल था, ठीक है, इस तरीके से पीटियोल था, लेकिन ये पीटियोल ऐसे करके टेंड्रिल बनाने लग गया ताकि उसको क्या कर सके, ये क्लाइंब कर सके प्लांट, तो इस तरीके से टेंड्रिलर का मतलब होता है क्लाइंब करके, क्लाइंबर बन जाए प्लांट और मॉडिफिकेशन हो जाए, क्लाइंब की तरह हो जाए, ये होता है बच्चों क्लीमेटिस में। स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाए, अगर लीफ है, ठीक है, पहले ऐसी थी फिर अब ऐसी है, कन्वर्ट हो जाए स्पाइंस के अंदर, तो वो होता है बच्चों क्विस्क्वालिस के अंदर। ग्रीन हो जाए और हमारे पास में फोटोसिंथेसिस करे, तो वो अकेशिया के अंदर होती है, उसको अपन बोलते हैं फिलोड, इट विल बी कॉल्ड एज फिलोड। बेस के ऊपर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों, कई बार होते हैं कई बार नहीं होते, देखो बच्चों ये होता है बेस पे, ये होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन्हीं को अपन बोलते हैं स्टिप्यूल्स। दीज कैन बी प्रेजेंट और दीज कैन बी एब्सेंट, दोनों तरीके से हो सकता है। फिर बच्चों ब्लेड की बात आए, तो ये ब्लेड है हमारे पास में, दिस वन इज ब्लेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लेड। तो ब्लेड बच्चों फ्लैट पार्ट है, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन का काम करता है, हम जानते हैं बच्चों। अब बात करें एबएक्सियल एडएक्सियल की बात करें, तो बच्चों देखो हमारे पास में जो लीफ है, ये देखो ये क्लोज पार्ट है इसका, लीफ का थ्रू दी स्टेम, स्टेम से बच्चों ये इस तरफ क्लोज पार्ट, अगर अपने फोल्ड करें तो लीफ को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं ना बच्चों, इस तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं, तो ये पार्ट कहलाया जाता है वेंट्रल और इसके नीचे वाला पार्ट कहलाया जाता है डॉर्सल, ठीक है, ये वाला होता है वेंट्रल और इसका दूसरा अपोजिट पार्ट होता है डॉर्सल बोला जाता है। ब्रायोफाइटा, अब बच्चों दो टर्म हमेशा आती है एबएक्सियल और एडएक्सियल, तो मैंने एक लिस्ट बना दिया कि ब्रायोफाइटा है तो एबएक्सियल वेंट्रल एडएक्सियल डॉर्सल, बट यहां पर लीफ एब्सेंट है, यहां पे पूरे ब्रायोफाइटा की बात हो रही है, पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा उसका गैमेटोफाइट, वो एडएक्सियल मतलब वेंट्रल है, एबएक्सियल मतलब डॉर्सल है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दिस वन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखोगे, इसी को याद रखोगे, और किसी में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट इट इज गुड फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको पता होना चाहिए, बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। एंजियोस्पर्म्स के अंदर एबएक्सियल एडएक्सियल होता है वेंट्रल, मींस ये जो पार्ट है ये है बच्चों एडएक्सियल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एडएक्सियल एबएक्सियल से पूछा जा सकता है, और एबएक्सियल जो है बच्चों वो ये वाला पार्ट होगा, दिस विल बी द एबएक्सियल, एबएक्सियल एडएक्सियल उसकी सरफेस है, जैसे ये लीफ है, ठीक है, तो मैं बताऊं कि यहां पर हमारे पास में लीफ है, इसका ये वाला पार्ट जो होगा ऊपर का जो पार्ट होगा दिस वन, इसको हम बन कहेंगे एडएक्सियल। आपसे कोई पूछे कि जो स्टोमेट है वो डाइकॉट में कहां प्रेजेंट है, तो क्या आंसर दोगे, आप दोगे एबएक्सियल, क्योंकि इसी पार्ट पर डॉर्सल पार्ट पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे, मोस्टली डाइकॉट्स में, जबकि एडएक्सियल सरफेस पर, सरफेस का नाम दिया, जैसे अपने ये सरफेस है, आगे की सरफेस है इट इज वेंट्रल और पीछे की सरफेस है उसको अपन डॉर्सल बोल रहे हैं, वैसे लीफ की सरफेस के ऊपर बोलते हैं। डाइकॉट के प्लांट है उसके अंदर डॉर्सल और वेंट्रल लीफ अलग अलग होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, जबकि मोनोकॉट की बात करें तो ऊपर से और नीचे से सेम होती है, स्टोमेटा भी बराबर प्रेजेंट होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, तो लीफ के डिवीजन के अंदर ये चीजें काम आती है बच्चों।
रेडिकल लीफ, जब लीफ बच्चों हमारे पास में अंडरग्राउंड पार्ट से अराइज हो तो उसको रेडिकल लीफ बोलते हैं, जैसे कैरेट है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से अंडरग्राउंड पार्ट है, यहीं से लीफ अराइज हो जाती है, तो अपन को क्या बोलते हैं उसको, रेडिकल लीव्स बोलते हैं। फिर है बच्चों कोलाइन लीव्स, जब कभी भी स्टेम के ऊपर लीव्स प्रेजेंट हो, ये हमारे पास स्टेम है और स्टेम के ऊपर पत्तियां प्रेजेंट हो, मतलब स्टेम के बाद ब्रांचेस अराइज होती है, ब्रांचेस पर लीव्स लगती है, पर जब स्टेम के ऊपर लीव्स हो तो उसको अपन कोलाइन लीव्स बोलते हैं। ये मेन स्टेम में होती है, पेपेवर में देखी जाती है, पेपेवर सोमनीफेरम ओपियम होता है। रेमल लीव्स, जब कभी भी बच्चों ब्रांचेस है वो ब्रांचेस के ऊपर लीव्स हो तब उसको रेमल बोलते हैं, तो ज्यादातर प्लांट जो है उनमें ब्रांचेस के ऊपर होती है, रोजा प्लांट। कैडुकस लीव्स, ऐसी लीव्स है जो कि बच्चों जैसे ही फॉर्मेशन होता है दे फॉल, ठीक है, बनने के बाद में वो झड़ जाती है, जैसे कि ओपुंचियम है। और डेसीडस लीव्स बच्चों ग्रोइंग सीजन के एंड तक झड़ती है, जैसे कि सेलिक्स। एवरग्रीन लीव्स कभी खत्म नहीं होती, हमेशा पूरे साल रहते, जैसे मैंगो की, पाइन जो कि एक क्या है बच्चों जिम्नोस्पर्म है, और पाम, इन सब के बच्चों पूरे साल भर तक प्रेजेंट रहती है, एवरग्रीन रहती है। मार्केस्टेंट, ये बच्चों कभी फॉल नहीं होती बट थोड़े टाइम के बाद में ये विदर होने लगती है, खत्म होने लगती है, फेगेसी के अंदर होता है बच्चों। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करोगे सभी बच्चे, मेरे को लग रहा है सुस्त पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, कमेंट्स वगैरह में, तो जल्दी से बच्चों आंसर्स करना शुरू करो कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला क्वेश्चन है, वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय रूट कैप, रूट एपेक्स, रूट हेयर्स या रूट, बताओ बच्चों। जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर, फोर फोर है, थर्ड है, ओके बताओ बच्चों, रूट हेयर्स, वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स, आंसर विल बी थर्ड, फोर्थ मत करो बच्चों, देखो ज्यादा करेक्ट चूज करो, वाटर अब्सॉर्ब्स रूट हेयर से होता है, ज्यादा करेक्ट आंसर चूज करो, माना रूट का पार्ट तो रूट का है पर रूट हेयर से हो रहा है ना, ऑप्शन में रूट हेयर दिया हुआ तो आप रूट नहीं लगाओगे, ये करो बताओ बच्चों। रूट दैट डेवलप फ्रॉम प्लांट पार्ट्स अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से रूट अराइज हो तो उसको क्या बोलते हैं अपने, व्हाट इज इट कॉल्ड, उन रूट्स को क्या बोलते हैं, जल्दी आंसर करो बच्चों, फास्ट। थर्ड, एडवेंटिशियस, वेरी गुड, दीज रूट्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस, आपको एग्जाम्पल, वेरी गुड वेरी गुड, चलो एग्जाम्पल लेंगे अभी अपने, गुड। निमेटोफोर्स प्लांट्स, कौन से प्लांट्स में निमेटोफोर्स आता है बच्चों, ये ज्यादातर मार्श सॉरी यस दोनों में रहते हैं, मेनली मार्शी एरियाज में, ठीक है। देखो क्या होता है कि जहां पर मार्शी एरिया होता है, सॉल्टी एरिया भी बोल सकते हैं बच्चों, तो उसमें ये न्यूमेटोफोर्स रूट्स बाहर अराइज हो जाती है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, रेस्पिरेशन करना होता है, दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स, न्यूमेटोफोर्स, ओके। नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो किस चीज का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, बताओ बच्चों, अंडरग्राउंड रूट, यस अनुराग, गुड बच्चों, लाइव पे क्लिक कर दो, आई थिंक आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, लाइव पे क्लिक कर दो एकदम अब बराबर आ जाओगे आप, इट इज अंडरग्राउंड रूट, करेक्ट, यस बच्चों लाइव पे क्लिक कर दो, आप लाइव नहीं लग रहे मुझे, लग रहा है आपका थोड़ा डिले चल रहा है। फिलोटैक्सीज, व्हाट इज फिलोटैक्सी, बेसिकली बच्चों क्या होता है, जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, लीव्स का अरेंजमेंट जो होता है उसको अपन बोलते हैं फिलोटैक्सी, लीव्स का अरेंजमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं फिलोटैक्सी, आंसर हो जाए इसका सेकंड। ये बताओ बच्चों विंड पीडियोल किसमें मिलता है, ऐसी लीफ होती है उसकी और इस तरीके से पीटियोल होता है, ऐसा कहीं दिखता है बच्चों, यस हंसते रहो, सेकंड आंसर गलत किया है आपने, ऐसा विंड पीडियोल किस में होता है, सिट्रस के अंदर, यस लेमन के अंदर होता है ये। बच्चों सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो,
लाइक कर दो सेशन को और शेयर कर दो बच्चों। डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से? स्टिल्ट रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट? फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, नॉट टैप रूट। डाइकॉट नहीं पूछ रहा हूं, हंसते रहो तो नाम सही रखा करो, ठीक है? डाइकॉट नहीं पूछ रहा हूं, डाइकॉट के अंदर होता है टैप रूट, यहां होगा फाइब्रस रूट। सही है बच्चों। नो अनुराग सिंह, नॉट टैप रूट, टैप रूट डाइकॉट में, मोनोकॉट के अंदर नो, एडवेंटिशियस सॉरी फाइब्रस रूट, ठीक है? कौन सा रूट का मॉडिफिकेशन फूड स्टोर नहीं करता इनमें से, बताओ बच्चों? इनमें कौन सा हमारे पास में है जो मॉडिफिकेशंस नहीं करता? क्या बात है, देखो जो गन्ना होता है, ठीक है, शुगर केन होता है, उसके अंदर जो नीचे के नोड होते हैं वहां से अराइज होती है हमारे पास में रूट्स। इन रूट्स क्या करती है, सपोर्ट करती है, इन रूट्स को अपन बोलते हैं स्टिल्ट रूट, ठीक है? द आंसर इज स्टिल्ट। कॉनिकल बच्चों शेप है, ऐसे कॉनिकल शेप के रूट, नेपिफॉर्म शेप रूट है बच्चों, ट्यूबरस हमारे पास में रूट है, ये सब रूट के मॉडिफिकेशन है, शेप के बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो ये फूड स्टोर करती है, तीनों फूड स्टोर करती है सिवाय स्टिल्ट रूट के, क्योंकि ये स्टिल्ट रूट का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। रूट हेयर डज नॉट कंटेन, बताओ बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ और ये आंसर करो, सही से आंसर करोगे। रूट हेयर डज नॉट कंटेन, बन गया आपने, गलत है बच्चों, इट डज नॉट कंटेन, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। फोटोसिंथेसिस करती है क्या रूट? रूट फोटोसिंथेसिस कर सकती है? नहीं कर सकती। द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड, विलामेन का क्या काम है? क्या काम है विलामेन का? ट्रांसपिरेशन। बेसिकली वेलामेन प्रेजेंट होता है रूट के ऊपर, प्रेजेंट होता है वेलामेन, ठीक है? रूट के ऊपर प्रेजेंट होता है वेलामेन, और वेलामेन उनमें प्रेजेंट होता है, वैसे क्या सारे आंसर लगाओगे, ठीक है? वेलामेन देखो, यस गुड, वेरी गुड, सही आंसर इज करेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ये ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो कि एपीफाइट्स होते हैं, एपीफाइट्स। नो प्रियंका, द आंसर इज थर्ड, ठीक है? एपीफाइट्स जो ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ये ट्री है, ट्री के ऊपर, यहां पर प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ये वाटर कैसे अब्सॉर्ब करेगा? तो इसके रूट्स के ऊपर एक टिश्यू होता है जिसको अपन बोलते हैं वेलामेन टिश्यू। ये वेलामेन टिश्यू मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है थ्रू एयर, एयर के थ्रू मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। न्यूमेटोफोर्स कौन से प्लांट्स के अंदर होता है बच्चों? बच्चे इस ऑप्शन के अंदर दोनों आ गए, मार्शी एंड सलाइन दोनों के अंदर ही न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? मार्शी एंड सलाइन, वाटर सीरियसली, नो 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 नो, नॉट सैंडी, मार्शी और सलाइन, ठीक है? दोनों ऑप्शन साथ में आ गए, दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। चलो बच्चों, ओके, हाउ वाज द सेशन, कैसा रहा सेशन बच्चों? तो बच्चों कल की क्लास के अंदर हम टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब प्लांट एनाटॉमी स्टार्ट करने वाले हैं अपन, ठीक है? प्लांट एनाटॉमी का कल पहला लेक्चर है, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल की क्लास का, आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाते हैं, तो थैंक यू एवरीवन। तो कल की क्लास बच्चों सभी बच्चे अटेंड करेंगे 4 PM पे, ठीक है? ये पूरा वीक फ्रॉम मंडे, ठीक है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे अपने डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक्स करेंगे प्लांट साइंसेस,
कल से बच्चों यस इनफ होगा, फॉर श्योर इनफ होगा वंशिका, डोंट वरी। तो बच्चों मंडे से लेके फ्राइडे तक वी विल डिस्कस दिस प्लांट एनाटॉमी पार्ट, एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। देन सैटरडे को हम पूरे सेशन में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चंस बच्चों होंगे आपके इन्हीं टॉपिक के बेस पर, जो अपने 5 दिन पढ़ेंगे उसी के टॉपिक के बेस पर आपके सैटरडे को हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये पूरा फॉर्मेट है हमारे इस सेशन के, इस वीक के लेक्चर सीरीज का। तो बेसिकली बच्चों आप ज्वाइन करोगे डेली 4 बजे आओगे IFS बायोसाइंस चैनल पे और अपने इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके चलो, अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो एक बार बच्चों सेशन को लाइक करके शेयर कर देना, और नेक्स्ट सेशन में हो सके तो अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को भी साथ में शेयर करना, उन्हें भी बोलना आने को क्लास में। उन्हें बहुत अच्छे से सेशन लेंगे, बहुत पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे अपने प्लांट एनाटॉमी की, और आपके डाउट्स वगैरह सभी जो भी डाउट्स आए वो क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलो बच्चों बाय।